आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास रतूड़ी। प्रबंधन समिति के खिलाफ गुस्साए छात्र छात्राओं ने नारेबाजी कर पुतला फूंका। आपको बता दें प्रबंधन तंत्र की तानाशाही रवैये के खिलाफ छात्र संघ अध्यक्ष अंजलि चौहान, छात्र संघ पदाधिकारियों व छात्र छात्राओं ने प्रबंधन तंत्र का पुतला फूंक कर आक्रोश व्यक्त किया। प्रबंधन तंत्र अपने किसी भी कार्यकारिणी बैठक में छात्र हितों के संबंध में वार्ता करने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष एवं छात्र संघ के प्रतिनिधियों को निमंत्रण नहीं देते हैं और छात्र हितों को पूर्णतः कुचल कर तानाशाही निर्णय एवं अध्यापकों कर्मचारियों मानदेय वेतन का भुगतान न करके कक्षाओं के समय संचालन के लिए उनको बाध्य करते हैं और महाविद्यालय का सुचारू रूप से संचालन भी नहीं कर पा रहे हैं। दिनांक 13 नवंबर 2019 को प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बालकृष्ण नौटियाल द्वारा उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में लिखित में आश्वासन दिया गया था छात्र हित के संबंध में छात्र संघ अध्यक्ष के माध्यम से उचित वार्तालाप किया जाएगा, लेकिन रविवार दिनांक 2020 को प्रबंधन तंत्र के औपचारिक रूप से कार्यकारिणी बैठक का आहूत किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के किसी भी प्रतिनिधि को बैठक वीडियो सूचित नहीं किया गया। गुस्साए छात्र छात्राओं ने प्रबंधन तंत्र का पुतला फूंक कर प्रदर्शन कर विरोध व्यक्त किया और प्राचार्य के माध्यम से अवगत कराया कि अगर आगे की कार्यकारिणी बैठक छात्र संघ को अनदेखा किया गया तो समस्त छात्र संघ के आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों में पूनम बिष्ट, सुभाष पैनोली, पूजा बिष्ट, सविता पंवार, नरेंद्र सिंह रावत, सिमरन खंडूरी, कृष्ण मोहन रावत, सौरभ लेखवार, मोहित गौरव बडोनी, मनोज भंडारी, सत्येंद्र विपिन रावत आदि मौजूद रहे। यूनियन के लिए पंकज भट्ट की रिपोर्ट।